नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह 50 साल के अनुभव का दृश्य है। यह राम जी की महिमा यानी रामलीला का दृश्य है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर बसा यह इलाका करारी, और वहां पर आदर्श रामलीला समिति के द्वारा यह रामलीला का मंचन 1972 में शुरू किया गया था। जानकार बताते हैं कि इस रामलीला की शुरुआत गांव के पेड़ पीपल के पेड़ के नीचे से हुई, और शुरुआती सालों में साड़ी बांध कर स्टेज और पर्दे का रूप दिया गया था। 4 साल के बाद इस पोखरे के पास एक अस्थाई मंच बनाकर इसका मंचन किया जाने लगा, और उस समय बिजली तो थी नहीं, तो उस समय लोगों के लिए रोशनी का पूरा प्रबंध मिट्टी के तेल से जलने वाले गैस का उपयोग प्रकाश के लिए करके किया जाता था। और आपको बता दें कि 10 से 20 किलोमीटर दूर तक के गांव के लोग रामलीला देखने आया करते थे। इस रामलीला का मंचन दीपावली के 8 दिन पहले प्रारंभ होता है, और दीपावली के 1 दिन पहले रावण दहन पर समाप्त हो जाता है। तथा दीपावली के दिन अर्थात जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे, उसी की याद में प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की झांकी निकाली जाती है। झांकी का रथ गांव की हर गली हर घर से होकर गुजरता है, और श्रद्धालु दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान राम घर वापस लौटने की खुशी में पूरे गाँव में दीपावली धूमधाम से मनाकर देखी जा सकती है। यानी भगवान राम आज भी यूपी के इन गांवों में जिंदा हैं, क्योंकि रामलीला के मंचन से ना सिर्फ भगवान राम के वापस आने का पूरा दृश्य दिखाया जाता है, बल्कि यह बताने की एक कोशिश है कि 50 साल जरूर इस रामलीला के मंचन के हुए, लेकिन रामलला यूपी के गांव के हर घर में हर मन में बसते हैं, और शायद राम जी की यही झांकी और यही रामलीला का मंचन यह गांव आज जिंदा ना करके इसको एक इतिहास बनाने जा रहा है, और यह इतिहास लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना रहे, लोगों के दिल में इस कला का, राम जी की महिमा का स्थान बना रहे। इसके लिए यहाँ के कलाकार, यहाँ के लोग बड़ी जीवटता से रामलीला का मंचन करते हैं। आप खुद ही देखिए और आनंद लीजिए कि आखिर राम जी की लीला देखने के लिए गांव के लोग कितने उत्सुक और कितने मतवाले हैं।